ये सब क्या है बेटा, क्या मिलता है तुझे ये सब करके? सॉरी मॉम, बड़ा मजा आता है यार। मुझे एक बात बताओ, अगर इसने मुझे बेवकूफी बनाना था तो फिर कार्ड पे अपनी हैंडराइटिंग से क्यों लिखा? अरे उसको क्या लगता है कि मैं उसकी हैंडराइटिंग नहीं पहचानूंगा? इनफ राहुल, मत तंग किया कर मेरी बेचारी बहू को। मैं अच्छे से उसने डिनर प्लान किया है, अगर वहाँ तूने उसे सताया ना तो देख लेना मैं क्या करूँ। अच्छा एक काम करो, आप मुझे वेन्यू की लोकेशन मैसेज कर दो, मैं सीधा पहुँच जाऊँ। हाँ ओके, मैं भेजती हूँ। ओके मैम, चलो बाय। फाइनली मानवी और मैं एक दूसरे से अपने दिल की बात कहेंगे, उसका शोर ना भी हुआ तो मैं तो शोर हूँ। आई लव यू मानवी। पता नहीं खुद को क्या समझता है, कोट निकाल दो, वॉलेट रेडी रख दो, बीवी नहीं नौकरानी हो गई हूँ मैं इनकी, हद होती है। देखिए ना मम्मी जी, किसी ने बुके भिजवाया, डेट पे बुलाया तो राहुल कितना खुश हो गया, उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, अपनी बीवी को बिना बताए वो किसी और के साथ डेट पे जाना चाहता है। ऐसे रिएक्ट करोगी तो ऐसे ही बिहेव करेगा। आपको लगता है कि मेरी गलती? बुद्धू लड़की, ये सूट वॉलेट ये बिजनेस मीटिंग सिर्फ बहाना है तुम्हें डेट पे ले जाने का। लेकिन वो तो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, इसलिए तो झट से उसने पहचान लिया तुम्हारी हैंडराइटिंग। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी बुकिंग करवाती हूँ रेस्टोरेंट में। अच्छे से तैयार होना, पहली बार अपनी दिल की बात कहने जा रही हूँ, ऐसे तैयार होना कि पहले कहीं वो ना कहते तुमसे आई लव यू। ये लो, जल्दी से तैयार हो जाओ।